आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा ही होगा, रियलमी X7 Max की हमने अनबॉक्सिंग करी थी, तो उसी तरह आज हम करने जा रहे हैं iPhone 13। जी हाँ, महंगा फोन हो चुकी है भाई की जिंदगी बर्बाद। भाई ने लिया है iPhone 13 और कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अभी मजा आएगा ना। तो गाइस, ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है, ये है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। और जैसा कि आपको पता है, आईफोन वाले चार्जर तो देते नहीं है, गरीब होते हैं, तो चार्जर हमने खुद लिया है। तो चार्जर देख लो भाई, क्या है ये, जो टुइया सा चार्जर, छोटू सा चार्जर है, 20 वाट का चार्जर है, आराम आराम से चार्ज करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आईफोन है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सही है फोन। चलो एक मिनट फोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं डब्बे में दिया क्या है। चार्जर तो हमें ही लेना पड़ा है, डब्बे में तो देख लें क्या क्या दिया है। ये क्या है, क्या है ये, वायर है, छोटे से चार्जर। अबे ये भी तो रखा हुआ है कुछ, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा ना, सिम इजेक्टर पिन, छोटी सी, ये भी दिया, चलो बधाई है, कुछ तो दिया है साथ में, डॉक्यूमेंटेशन और क्या है। डब्बा ये देखो बिल्कुल खाली है भाई, खत्म, और कुछ नहीं दिया इन्होंने, स्टिकर भी दिया है। वो निकलेगा कैसे ये लो भाई। भाई अपने उसके कवर लिया, कवर पे लगा दियो, कवर भी बिल्कुल कवर पे, कवर भी दिया है क्या। अच्छा ये तो चार्जर नहीं देते, कवर के देंगे, ठीक है अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसको अपने माथे पे लगा के घूम ले चाहे तो, ठीक लग रहा, बढ़िया लग रहा है, एप्पल का आदमी। तो इसके कैमरों की बात कर रहे थे, तो फ्रंट और बैक कैमरे की अगर बात करें, दोनों 12-12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं हमें। ब्लू कलर है, देख लो ब्लू कलर है, और फ्रंट और बैक कैमरा दोनों है 12-12 मेगापिक्सल के। और प्रोसेसर की बात करेंगे, प्रोसेसर की बात करें तो वो है हमारा A15 बायोनिक चिप, हेक्साकोर का प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले साइज की, तो इसका डिस्प्ले आप देख ले, फुटा लगे हो गए ना पे एक बार थोड़ा, अरे चल रहे नहीं है मेरे को, वो भी याद है मेरे को, डिस्प्ले साइज है इसका 6.4 इंचेस का। एक साल की वारंटी के साथ हमें फोन मिला है, और अगर हम इसकी हाइट और विड्थ की बात करें तो वो है 14 सेंटीमीटर, तो हाइट है, और जो विड्थ है ना वो है 7 सेंटीमीटर। ओपन करते गाइस इसको, तो अब बात कर लीजिए थोड़ी इसकी कंपैरिजन की। इसकी कंपैरिजन की बात करें 12 और 13 आईफोन कंपैरिजन की बात करते हैं, हाँ। तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मामूली सा फर्क है। एक तो कैमरे का फर्क है, मतलब इसके जो सेंसर्स हैं, पहले जो 12 में थे वो थे वर्टिकल और इसमें है डायगोनली, और जो इसके सेंसर जो मॉडिफाइड है 12 अपग्रेडेड वर्जन में, मतलब सेंसर लगा रखे हैं। और इसके लुक की बात करें, काफी ग्लोसी लुक है, और ये कलर तो सही में बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइज ये फोन हमने यूज करके देखा है, फोटोज वगैरह तो आपने देख ही लिए हैं, जैसे कि काफी ऑसम फोटोज खींची हैं इसने, भाई की और बाकी सबकी फोटोज बहुत ऑसम आई हैं। टोटल इसका बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, तो 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है ये फोन। और कुछ इसी के साथ साथ हम बताते हैं इसके मोड्स के बारे में। एक तो सिनेमैटिक मोड की बात करते हैं पहले, सिनेमैटिक मोड, हाँ, तो सिनेमैटिक मोड जो है ना इसका, वो काफी बेटर है नॉर्मल जो एंड्रॉइड फोन होते हैं, हाँ, जो उसका ना जो बैकग्राउंड होता है सिनेमैटिक मोड में, आप किसी मेन पर्सन पे फोकस करोगे ना तो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर कर देता है ये भाई। ये फीचर में वो बड़ा गजब लगा, फोटो ब्लर कर रहा है ना पीछे के बंदे की भाई। और ये सिर्फ सिनेमैटिक मोड वीडियोस में नहीं, फोटोज में भी काफी बेटर है, आपने जैसे देख ली होगी फोटो। तो डेफिनेटली गाइज अगर बात करी जाए तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, और अगर कंपैरिजन में बात करी जाए तो आईफोन 12 प्रो से एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं इस वाले हम लोग आईफोन को। और अगर बात करी जाए इसकी कैमरा की, बैटरी की, परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली एक अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिल रहा है इस वाले आईफोन में। तो गाइस इस मोबाइल को खरीदना या ना खरीदना वो आपकी मर्जी है, खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, बस
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी हमारी आईफोन 13 की अनबॉक्सिंग की वीडियो। माइक तो दिख रहा, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अबे यार नहीं यार, 4GB 128GB वेरिएंट के साथ। अरे यार गलत हो गया, अरे मुझे वैसे ही याद है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। बट जल्दी मान गए ये बात, तो रुको जरा सबर करो। तो फ्रंट और रियर दोनों इसके 12-12GB के हैं, दोनों इसके 12-12GB के हैं। 12 कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चल भाई बहुत हो गई अनबॉक्सिंग, पैकअप 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 पैकअप। अरे इसमें भी तो कुछ लगा देते हैं भाई, ऐसे ही अकेला खड़ा हुआ है। अरे भाई ठीक।